You'll stop. It's not over if you've been knocked down. If you give up, the guarantee is it will never happen. You're not the first one. You won't be the last one. Yes, your mind is saying give up. Yes, it's saying quit. But you cannot quit. Face it, look yourself in the mirror, say, I think I can. Defeat again and again and again without giving up. But you cannot quit. All our lives, we have been taught that quitting is not an option. But I believe as long as you are quitting one thing for another with the right intention, you are going in the right direction. It may be hard and risky, but it will be worth it. Because as the man said, risk hai, to ishq hai. खैर, अगर आपने आज की वीडियो से कोई ज्ञान लेने के लिए क्लिक किया है तो इट्स ओवर, बाकी अगेन कभी और, बिकॉज इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मैं बहुत टाइम की नेगेटिविटी के बाद एक बार फिर से अपने पिछले कुछ महीनों की बातों का टोकरा लेकर के आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि बहुत कुछ हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू मी बोलो, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ यार। भाई पहले की तरह देखो यार, सीन्स ना कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं थोड़ा सा काम में ऐसा बिजी हो गया था। काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा। अरे वही अपना पहले की तरह। अब यार देखो, पिछले कुछ महीने में काफी कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ तो एक वीडियो बताना ही चाहिए, मतलब बता ही नहीं पाएंगे। अगर बता भी दिया तो अब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर समझ भी गए तो मैं और वीडियोस कैसे बनाऊंगा यार। हां, ये सब तो तूने बहुत बना लिया है। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पिछले कुछ महीनों में ना काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील कर रहा था, और मैं कोई ऐसा अनोखा इंसान नहीं हूँ। सभी लोग एक साथ बहुत कुछ चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, बट यहाँ इस चैनल पे तो मैं अपनी ही बात करने आया हूँगा ना। उन कई चीज़ों में से एक ये था कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के कुछ महीने पहले ही मेरी जॉब लग गई थी, और उसके कुछ 13-14 महीने हुए थे और मैंने वो छोड़ क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा। एक बार फिर से पहले की तरह, लेकिन नहीं और लग गए बैकअप है और कुछ सोच समझ के ही किया है। और मैं कोई एचआर तो नहीं हूँ, बट आई विल श्योरली गेट बैक टू यू ऑन दिस। और जिन 3-4-5-6 लोगों को ये लगा था कि अपन ये यूट्यूब वाला सीन छोड़ देंगे, तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैं कई चीज़ों में और खासकर इस मामले में तो बहुत ही चेप किस्म का इंसान हूँ। और चीज़ें जैसे घर की रेनोवेशन, कुछ EMIs थी, और जॉब के कुछ अप्स एंड डाउन्स, एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। तो चलता है जब तक मिक्स ना हो जर्नी आपकी। और हम 25 साल के भी हो गए इस साल। दिल से बुरा लगता है भाई, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ, मतलब कुछ तो है बट ये सब नहीं है। और जॉब में वैसे तो सब सही ही चल रहा था, बट एक पॉइंट पे आके वो अटक सा गया था मैं, और सेटिस्फेक्शन सी नहीं आ रही थी काम में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, तो छोड़ दिया पहले की तरह। और बहुत चीज़ें जैसे घूमना फिरना, और घूमने फिरने से याद आया कि मैंने घूमने फिरने से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, एक फिल्म टाइप बनाने की कोशिश करी है जो कि इससे पहले डल चुकी होगी। आप एक बार देख लेना अगर नहीं देखी, तो जिन्होंने देखी उनके लिए बस शुक्रिया। अभी मैंने और भी काफ़ी डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली, इनका प्लस जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, और ऐसी मनोरंजक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे अगली बार, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। क्या क्या करता हूँ बात है, जो भी करना जल्दी करना पड़ेगा, बहुत करनी पड़ेगी। इस चैनल की प्रथा के हिसाब से एक बदलाव तो यार हुआ, मैं अपने अपडेट व्लॉग्स में आकर के ये बोलता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और एंड में सब ऐसा वैसा हो जाता है। तो इसलिए तो इस बार हम कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि सो या दिस वॉज दी अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग गेन। और वैसे अगर देखा जाए तो एक बदलाव तो और हुआ है, वो ये कि मैं पतला सा नहीं हो जाता ना।